नागपुर और शिरडी के बीच नागपुर मुंबई समृद्धि सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए उन्होंने खुद इस एक्सप्रेसवे पर टेस्ट ड्राइव की। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस सड़क निर्माण की शुरुआत की थी और उस वक्त एकनाथ शिंदे प्रभारी मंत्री थे, इसलिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस परियोजना को लेकर खासा गंभीर हैं। एक्सप्रेसवे के इस खंड का लोकार्पण 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाना है। उसी दिन पीएम मोदी नागपुर मेट्रो की शेष लाइनों का भी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक साथ रविवार को नागपुर और शिरडी के बीच टेस्ट ड्राइव की। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे विदर्भ और मराठवाड़ा के भीतरी इलाकों के विकास में मदद करेगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया और वह क्षण आ गया है, महाराष्ट्र ने वास्तव में ऐसा किया है और हम वास्तव में इस सपने को सच करने वाले समृद्धि सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे पर हैं। हमने कर दिखाया, सीएम एकनाथ शिंदे जी। बता दें कि 11 सितंबर को एक्सप्रेसवे का कुल 701 किलोमीटर हिस्से में से 520 किलोमीटर का हिस्सा लोगों के लिए खुल जाएगा। एक्सप्रेसवे पर 1.73 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टोल शुल्क में न्यूनतम 900 रुपये का भुगतान करके शिरडी तक पहुँचा जा सकता है। एक्सप्रेसवे के किनारे 18 पेट्रोल पंप और शौचालय जैसी सुविधाएं बनाई गई है। अधिकारियों ने दावा किया है कि इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से नागपुर और मुंबई के बीच की दूरी 18 घंटे से घटकर केवल 7 से 8 घंटे रह जाएगी। जानकारी के अनुसार 49,250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ एक्सप्रेसवे 11 जिलों में फैले 292 गाँव से होकर गुजरता है। वहीं शिरडी और मुंबई के बीच शेष खंड का काम अगले 6 महीनों में पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का नाम उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया है। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सही। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।